और यहाँ पर मैंने और आयजा को जो है वो नहलाया है और अभी जो है वो इनके बालों को जो है वो ब्रश करने लगी हूँ। और वहाँ पीछे जो है ना फजर वो बेचैन हुई हुई है, देखें इसको भी नहलाना है। मैंने ये भी सो के उठी है, आयजा जो है इनको पहले नहला दिया क्योंकि इन्होंने सपारा पढ़ने जाना है। और अभी मैंने बच्चियों को जो है उन्हें ला दी है और अब इनको जो है फ्रेश करके इनको जो है सपारा पढ़ने के लिए भेज दी। माशा मैंने इनको करवा दिया था कि मामा मुझे भी नहला दें, अभी उठ गई है। इनको मैं आयजा को जो है सपारा पढ़ने भेजने के बाद जो है ना उसको भी नहला दूँ। बड़ा मुश्किल होता है हया के बालों में जो है वो ब्रश करना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता। अजय आपको क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है प्रॉब्लम, आपको भी दिन चेहरा नहीं है करने का? हाँ आपका दिन चेहरा आपने भी लगाना है। अभी इन लोगों मैंने सपारे का लेसन रिवाइज करवा दिए और कलमे वगैरह भी इनसे सुन ली है, तो ये जाकर जो है वो अपी को आज आपने अच्छे से सुनाना है। ओके अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। ओके अल्लाह हाफिज। हया इसका हाथ पकड़ो बहना का। यहाँ पर जो है वो मैं दूध बॉईल कर रही थी और साथ साथ जो है वो चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी जो है वो नाश्ता बना रही हूँ। आज जो है वो नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया। हया और आयजा जो है वो सपारा पढ़ के आई हैं तो यहाँ पर जो है वो मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। इसको तवे को मैंने जो है वो वॉश किया, अभी थोड़ा सा गीला है और इतनी देर में जो है यहाँ पर मैंने बना लिए हैं बच्चियों की रोटी के लिए पेड़े और अभी जो है वो उनको रोटी बना के देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। जो लोग देश परदेश से हमें देखे अल्लाह पाक उनको भी जो है वो अपनी रहमतों के साए में रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और आबाद रखे। इसी बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ जो है वो आज के ब्लॉग का जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो अभी नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए जो है वो रोटियां बनानी है और साथ में एग्स बनाऊंगी। जो है बच्चे शोर कर रहे हैं क्योंकि बाहर जो है ना बारिश वाला मौसम बन गया है, बच्चे जो है बहुत खुश हो रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं। अभी मैं रोटियां बनाऊंगी साथ में बच्चों के लिए। चाय मैंने रखी है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है और साथ में दूध बॉयल हो गया। अभी जो है जल्दी से जो है रोटियां बनाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो सपारा पढ़ के आ गई हैं आज और अभी तक उनकी जो है ना मैंने रोटी नहीं बनाई। अच्छा इस दफा जो है ना एक अजीब सी चीज हुई है आटे के साथ, आटा जो है ना इस दफा पता नहीं ये मौसम ऐसा है शायद उसकी वजह से आटा जो है ना सारा जैसे उसकी गुठलियां नहीं बन जाती जैसे वो किसी चीज में जो है वो नमी सी आ जाती है उसकी गुठलियां बन जाती हैं। तो इस दफा हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे आटे की ना गुठलियां बन गई हैं। तो जब उसको जो है मैंने गूंदा, जब भी मैंने गूंदा तो उसमें ये हुआ है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो पतला हो जाता था। ये जो घी है ना
ये है देसी घी, ये मुझ पर आया है घर में, गैस जो है ना वो बस जाने ही वाली है। चाय भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और दूध भी बॉयल हो चुका है। भी जो है वो रोटियां भी बन जाएंगी इंशाल्लाह, तो मैं बच्चों को देती हूँ। अजर को मैं पकड़ा के आई हूँ हया ईसा को, अभी जाके देखती हूँ कि उसके साथ क्या कर रही हूँ। आज जो है वो गर्मी ने तो बुरी हालत कर दी थी, मैंने कहा कि इससे पहले कि हम लोग जो है वो वेट करें, लेकिन बारिश भी इस तरह की हो रही है कि जिसमें ना ठंडक नहीं है। बारिश होती है फिर थोड़ी देर के बाद जब बारिश बंद होती है हवा भी बंद हो जाती है, वो ज्यादा गर्मी हो जाती है, हब्स हो जाता है। सुबह जो है ना मैंने बच्चों को जो है वो चाय और रस दे दी थी पारा पढ़ने से जाने से पहले, तो लेकिन जाहिर है इस वक्त जो है वो 11 बजे आती है वो पारा पढ़ने और फिर उसके बाद 12 बजे वो वापस आ जाती है, तो फिर 12 से जो है 12:30 के बीच हमारी गैस आती है तो फिर उनको भूख लग जाती है। तो ये जो है ना एक तरह से उनका दोपहर का भी हो जाता है बच्चों का और सुबह का जो है वो नाटक भी एक तरह से हो जाता है, तो इसीलिए जो है वो आज मुझे टेंशन हो रही है कि बच्चों को जो है ना टाइम से बना के देंगे। हॉटपॉट भी मैंने रात में वॉश कर लिया था, अभी जो है एक रोटी जो रहती है उसको भी जल्दी से बना। बच्चों को खाना खिलाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत तंग करती हैं हया और आयजा, खाना खाती ही नहीं है। बस हया का तो बस चले ना, तो कहती है कि मैं रोटी को ना किसी को दे दूं, पैसे दे के ना मैं रोटी किसी को दे दूं, मुझे रोटी ना खानी पड़े। और मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा नहीं, इस तरह नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज होते हैं, रिस्क के लिए तो लोग इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाके ये हासिल होता है, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे कहाँ समझते हैं। आप ये वाली चीज देख के कहते होंगे कि चूल्हा इनका बहुत गंदा है, लेकिन ना ये सारा पेंट खराब हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे, पेंट इसका दोबारा से कर लेंगे। बाकी चूल्हा जो है ना हमारा सही काम करता है और बहुत अच्छा जो है वो हो जाता है इससे ना, एक ही टाइम पे चाय भी बन जाती है, दूध भी बॉयल हो जाता है, सालन भी बन जाता है, रोटियां भी बन जाती हैं। मुझे इसके जो है ना 5 पार्ट्स हैं। और मुझे मैं तो बल्कि सोच रही थी कि जब कभी नेक्स्ट भी मैं लूंगी ना तो इंशाल्लाह ऐसा ही लूंगी ताकि मुझे मुश्किल ना हो। और वो जो होता है कुकिंग रेंज जो होता है उसमें भी आई थिंक ऐसे ही होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मैंने उसको यूज तो नहीं किया हुआ, बट आई थिंक उसमें भी इसी तरह होते हैं। जो है वो बच्चों का रेडी कर लिया है, यहाँ पर रोटी और अंडा है साथ में, और बच्चे जो है वो भी आ गए थे इस पारा पढ़ के और बैठी हुई हैं। और मैंने जो है आज जैसे नाश्ता बनाया वो तो आप सब ने देख ही लिया है व्लॉग में, तो बस क्या करें जी, माँ बाप हैं, माँ हूँ तो बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती थी, फिर वैसे ही उसी हालत में जो है वो नाश्ता बनाया है उसी चूल्हे के साथ जो आपने देखा है।
और हाय आयजा ने माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो नाश्ता कर लिया है, उनको मैंने स्टडी करने के लिए बिठा दिया है। और यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा जो मेरा काका है ना, गुगू काका, इसको भी मैंने नहला दिया। पाजर आप क्या कर रही हो, प्ले कर रही हो, प्ले कर रही हो? आपकी कैटा कहाँ है? पाजर आपकी कैटा कहाँ है? कैटा कहाँ पे आपकी? मेरी बेटी की कैटा कहाँ पे है? आपने नाइयां कर ली है? आपने बात ले ली है? मेरे बेटे को कैसा लग रहा है? हाँ कैटा दूँ आपको? ओके की कैटा कहाँ है? ये आपकी कैटा? ओ नहीं, नीचे नहीं फेंकना। अच्छा, इसने एक नया काम पकड़ लिया, हर चीज नीचे फेंकती है और फिर कहती है मामा मुझे बार बार उठा के दें। बताओ कैटा को नीचे क्यों फेंकती हो? आप कैटा को नीचे क्यों फेंकती हो बताओ ना जरा। नो वो टूट जाएगी, बजट उसको हाई होगी। नो 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 ऐसे करो, नो यहाँ रख दो इसको, यहाँ पे। और आज जो है वो मौसम बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी बट अभी जो है वो अच्छी खासी जो है वो धूप सी फील हो रही है, लाइट लाइट सी, और बादल बहुत ज़्यादा साफ है। यहाँ पर मैं कर रही थी रूम की क्लीनिंग और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों को भी पढ़ा रही थी और साथ साथ जो है वो क्लीनिंग कर रही थी। तो जैसा कि आज आपने देखा कि किचन में जो है वो काम करते करते, बल्कि मैं अपने जो है वो चूल्हे की ही बातें कर रही थी और उसी दौरान जो है मैं बल्कि आपको बता रही थी कि मुझे जो है इस पे काम करना जो है वो बहुत इजी लगता है। और उसी ड्यूरेशन में जो है वो उसमें से जो है वो एकदम से जो है वो आग निकल आई और एक मैं एकदम से जो है वो बिल्कुल डर गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और इंसान को जो है अल्लाह ताला जो है वो इन मुश्किलों से बचा लेते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने किसी बहुत बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो इसी के साथ जो है वो आज की जो है वो वीडियो का करते हैं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।